अस्सलाम वालेकुम। आज दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है कि जिस तरह से 23 फरवरी 1923 को यूनियन ऑफ इंडिया ने एक लेटर जारी किया था जिसमें कहा था कि जो 123 वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उसमें वक्फ बोर्ड का कोई दखलंदाजी नहीं रहेगी, यानी कि भी किसी भी किस्म का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दिल्ली वक्फ बोर्ड का, मैनेजमेंट कंट्रोल दिल्ली वक्फ बोर्ड का नहीं रहेगा। तो हमने इस को दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया था। दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत सारी तारीख पड़ी, हमारे वकीलों ने बहुत मेहनत के साथ आर्गुमेंट किए और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका ऑर्डर हमारे फेवर में आया। और जो मनोज ओहरी साहब जो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनकी कोर्ट में ये केस था, उनके यहाँ से आज ये फैसला आया और फैसले में ये माना उन्होंने कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास रहेगा, सिर्फ यूनियन ऑफ इंडिया उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है, यानी कि जाकर सिर्फ देख सकता है। और जब वो इंस्पेक्शन करेगा तो इस बात का ख्याल रखेगा कि मैनेजमेंट को या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को किसी भी किस्म की कोई दखलंदाजी ना हो, उसके साथ किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ ना हो, यानी कि मिनिमम ये जो है सिर्फ जो है जाएंगे मिनिमम देखभाल करके वहां से आ जाएंगे। हमने ये भी कहा, ऑर्डर के अंदर ये भी कहा गया कि 1984 में नसरुल्ला कमेटी ने भी एक मरतबा इन तमाम प्रॉपर्टीज का, जो 123 प्रॉपर्टीज हैं, इनका इंस्पेक्शन किया था और आज भी वो सिर्फ अगर इंस्पेक्शन करेंगे तो ऑर्डर में कहा गया है कि किसी भी किस्म की मैनेजमेंट के साथ कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के साथ किसी किस्म की कोई भी दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशखबरी की बात कोई नहीं हो सकती कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड का माना, जो हम चाहते थे वो हमारी सारी बातों को माना और अगली तारीख जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने नवंबर की लगाई है। मैं तमाम उन लोगों का जिन लोगों ने इसमें हमारे लिए दुआएं की, मेहनत की, हमारा साथ दिया, खासकर हमारे वकील राहुल मेहरा साहब जो दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं, वजी शफीक साहब, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत करके तमाम पॉइंट्स को बहुत हिम्मत के साथ रखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें फतह हासिल हुई। शुक्रिया।